तुमने मुझे मशीन से करंट दिया, पर मैंने मैंने बिना तुम्हें छुए धमाका कर दिया। बूम। अब तो समझ आ गया होगा तुम्हें कि तो सिर्फ ट्रेलर था, अगर पूरी पिक्चर दिखा दी ना तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। देखो विशाखा, सीधे सीधे बताओ मयूरा कहाँ है, नहीं तो सब कुछ जला के राख कर दूंगा। कैसा लगा ये झटका? मशीन के करंट से भी ज्यादा तगड़ा था ना ये झटका। मेरे लिए आग लगा दोगे, जला दोगे? इतनी बेचैनी मुझसे मिलने की? बहुत खूबसूरत लग रही हो मयूरा, मुझे नहीं पता था मेरी नफरत इतनी जचेगी तुम पर। और वो निशान, तुम्हें तो बहुत पसंद था ना, तुम्हारी पहचान थी, और तुमने कहा था कि मैंने तुम्हें खूबसूरती के पिंजरे से आजाद कर दिया। फिर कहाँ है वो निशान? क्या हुआ, निकल गई हवा? अरे ये सब करना था तो पहले कर लेती ना, इतना तमाशा होता ही नहीं। मैंने कहा था मेरी तारा के लिए निशान हटवा लो, पर नहीं। याद है ना कितना नाटक किया था तुमने, सब कुछ खराब कर दिया, और अब अपने मतलब के लिए हटवा लिया निशान। हाँ उनका, और आखिर मतलब ही होना तो मैंने तुमसे ही सीखा है। अब मैंने ये क्या किया, क्यों किया, ये समझने की ना तो तुम में समझ है और ना ही मैं तुम्हें समझाना जरूरी समझती हूँ। बाकी जब सही वक्त आएगा तुम्हें सब खुद ब खुद पता चल जाएगा, तब तक तुम इंतजार करो। जितने बहाने करने हैं कर लो, पर पता है सच क्या है? सच ये है कि तुम खुद खूबसूरती के पिंजरे में कैद रहना चाहती हो, आईने में देखना चाहती हो तो अपना ये खूबसूरत चेहरा। बस अब अगर यही बात मैं कह दूं तो मैं बुरा बन जाता हूं। एक औरत की सोच को समझने के लिए ओमकर तुम्हें ना कई जन्म लेने होंगे, शायद तुम तभी ना समझ पाओ। तारा, पापा, पापा, पापा। तारा तारा यहाँ है ओमकर। तारा, तारा,
मेरा बच्चा, कैसे हो आप? अच्छी हूँ पापा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। तारू मेरा बच्चा, पापा को आपकी बहुत याद आती है, आप ठीक हो ना? मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ, पर मम्मा ने कहा आप अभी वर्क में बिजी होंगे, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मम्मा ने कहा आपसे मिलने में अभी थोड़ा टाइम है। आई मिस यू पापा। आई मिस यू टू। आई लव यू। आई लव यू मेरा बच्चा। आई लव यू। किसी माँ को ये दिन कभी ना देखना पड़े कि उसे एक बच्ची को उसके पिता से अलग करना पड़ रहा है। मैं ओमकार से नफरत करती हूँ, पर एक पिता को उसकी बेटी से दूर करने का दुख मुझे फिर भी है। यहाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हम बहुत फन करते हैं और पढ़ाई भी। मैंने बहुत सारे न्यू पोएम्स भी सीख ली पापा। तारू, आपके पापा आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आप कहाँ हो? तारू, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। मैं अपनी बेटी के लिए किस हद तक जा सकता हूं ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। मुझे मजबूर मत करो, मुझे बस मेरी तारा से मिलना है। मेरा बताओ तारा कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? ओमकार, तारा मेरे पास सलामत है और रहेगी। तुम्हें ऐसे तड़पता बिलकता देखकर बहुत अच्छा लग रहा है ओमकार, सुकून मिल रहा है मुझे। अपनी बेटी से दूर होना, उससे मिल ना पाना, उसे गोद में ना उठा पाना, कैसा लग रहा है ओमकार? बकवास बंद कर, मुझे मेरी तारा से मिलना। अब समझ आया तुम्हें? 5 सालों तक मैं कितना तड़पी होंगी, कितना रोई होंगी, अब समझ आया तुम्हें? उसके आसपास नहीं रहूंगी मयूरा। उसे आप दोनों की जरूरत है ओमकार, प्लीज। इसने जब बच्चे को मारने की कोशिश की ना, जान से, पहले आग से जला के उसके बाद छुरी से मारने की कोशिश की, तब हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा, इसे निकालना पड़ा घर से। चलिए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? समझ क्यों नहीं रहे? ये लोग गलत हैं। प्लीज ओमकार, प्लीज मेरी बच्ची को मुझसे दूर मत करो प्लीज। माँ तो तुम तब बनोगी जब तारा तुम्हें माँ कह के पुकारेगी, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। कल माजी ने सब नौकरों को 1 साल की तनख्वाह दे दी, बोला कि वो लोग शहर के बाहर जा रहे हैं, किसी को काम पर आने की जरूरत नहीं है। मेरी बच्ची पता नहीं कैसे दिखती होगी, अब तो दौड़ती होगी, भागती होगी, खूब सारी बातें करती होगी। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं ओमकार, मैं हमारी बच्ची को तुमसे इसीलिए दूर नहीं रख रही हूँ ताकि मैं तुम्हें तड़पा सकूं। मैंने तारा को तुमसे इसीलिए दूर किया ताकि उसकी जिंदगी बेहतर हो सके, दैट्स इट। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरी तारा लौटा दो। मुझे मेरी तारा लौटा दो अभी इसी वक्त मयूरा। ओमकार, मैंने उससे तुम्हारी बात करा थी, यही बहुत है, वरना तो तुम उसके भी लायक नहीं हो। पांच सेकेंड है तुम्हारे पास, बता दो कि तारा कहाँ है, नहीं तो तुम और तुम्हारी विशाखा दोनों को खत्म कर दूंगा मैं। विशाखा का साम्राज्य है और तुम्हारे घर वाले दोनों चल के राख हो जाएंगे मयूरा। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। 5, 4, 3, 2, 1। क्या हुआ? चौंक गए? उठाओ ना फोन ओमकार, क्या पता कोई इंपॉर्टेंट कॉल। ओमकार जी,
मैं DIG पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ। मिस विशाखा राजवंश जी की कंपनी से हमें आपके खिलाफ गंभीर कंप्लेंट्स मिली हैं। आप उनका ऑफिस और मयूरा जी के घर वालों को जलाकर राख करने की धमकी दे रहे हैं। मेरी पोस्ट चौकन्नी खड़ी है ओमकार जी, आपसे पुराना रिश्ता है इसलिए बता रहा हूँ, वरना मुझे आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। आप जिन लोगों से भिड़ रहे हैं वो इस वक्त आपसे ज्यादा ताकतवर हैं, याद रखिएगा। सॉरी, मंजरी ने मुझे अपने घर से निकाल दिया, लेकिन आज तो मैं ओमकार जी से बात करके ही जाऊंगी। ये तो सर फिरी मंजरी, और ऊपर से मेरी बहन मयूरा, क्या कर दिया मयूरा ये तूने? ये है ओमकार जी का घर, इस पर नजर रखना है अपन को, कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा। यहाँ भी दाल निकलने वाली, घर भी नहीं जा सकती, और संजय के पास भी ले देके गरीबी के अलावा कुछ नहीं है। जी सर, विशाखा मैडम की कंप्लेंट के मुताबिक हम लोग पहुंच चुके हैं ओमकार जी के घर के बाहर। आप कहते हैं तो हम उनके और उनके परिवार को गिरफ्त में ले लेते हैं। जी ये विशाखा मैम कौन है, और ये मयूरा की मदद क्यों कर रही है? जो भी है, बवाल मचा रखा है इसे विशाखा ने। ओमकार, शायद विशाखा जी ने तुमसे कहा था ना, अब तुम हारने की आदत डाल दो, क्या है तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। ओमकार देखो ना, बिना पिंजरे में डाले ही मैंने तुम्हें कैद कर दिया। खुर क्या रहे हो? ओफो, ऐसे घूरो मत ओमकार, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे नहीं डरती। मयूरा, माया, माया नाम है मेरा। अब जो तुम्हें बोल रही हूँ वो कान खोल कर सुनो। दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो मुझे और तारा को भूलकर इस शहर से निकल जाओ, या तो यहीं रहो और देखो मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करती हूँ। उनका बोलिए, अब मेरी सुनो। माया मयूरा, ये जो हिम्मत तुम्हारे अंदर आई है और जिसके दम पर तुम यहाँ खड़े होकर मुझे धमकी दे रही हो ना, एक बार वापस उसे याद दिला दो कि यहाँ का संगमरमर सरताज कौन है और वो क्या क्या कर सकता है। और अगर तुम भी भूल गई हो ना तो कोई बात नहीं, तुम्हें भी याद दिला देता हूं। भाड़ में गया DIG और भाड़ में गए तुम। उठा लो इन दोनों। जाओ ढूंढो ने। माय गॉड, क्या दिन था ये। एनीवेज मयूरा, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम अपनी तारा से मिल सकती हो, और मैं अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं करूंगी। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, जितना थैंक यू कहूं कम है। यू वेलकम। वी हैड अ लॉन्ग डे, अब जाओ थोड़ा रेस्ट करो और फ्रेश अप हो जाओ।
हिम्मत कैसे हुई मयूरा की मेरी तारा को मुझसे दूर ले जाने की? इस मयूरा को तो मैं चैन से जीने नहीं दूंगा, किसी भी हाल में उसे अपनी बेटी को दूर ले जाने नहीं दूंगा मुझसे, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। खिलौने और गेम्स जो आपने मंगाए थे सब ले आया ना? हाँ। वाओ। मेरी तारा से मिलूंगी, कितनी खुश हो जाएगी वो, मेरी तारा। ये सारे टॉयज कार में रख के आते, चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा। आज तुम कहीं नहीं जाओगी, ये टॉयज जो हैं इन्हें कहीं छुपा दो। पर विशाखा जी क्यों, आपने तो प्रॉमिस किया था ना कि आज मैं मेरी तारा से मिलूंगी। आई नो, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था मयूरा, लेकिन किसी और दिन चले जाना, ओमकार बाहर आया हुआ है। एंड प्लीज तुम जाके चेंज करो, वो किसी स्पेशल गेस्ट के साथ आया है। ओमकार